पब्लिक सड़कों पर निकली हुई है और जो उनके ऊपर हुकूमत का बर्ताव है, मैं उसकी वजह से मैंने फैसला किया कि मैं आज आप सब के साथ, अपनी कौम के साथ इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू करूँ। देखिए, सबसे पहले एक हुकूमत आती है, वाजे एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के जरिए, और वो आके इस मुल्क के ऊपर जो हुकूमत बनती है, 60% लोग जमानत पे, बड़े बड़े इस मुल्क के वो लोग जो 30 साल से करप्शन कर रहे थे वो ऊपर आके मुसल्लत हो जाते हैं। और वो मुसल्लत कैसे होते हैं कि लोगों के ज़मीन खरीदे जाते हैं, भेड़ बकरियों की तरह सियासतदानों को ख़रीदा जाता है, वो वहाँ ऊपर कायम हो जाते हैं। और उसके बाद बजाय ये कि लोगों के हालात बेहतर करें, या जो उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है तो इन्होंने महंगाई के ऊपर कोई प्लान लेके आना था, और या इन्होंने मायशत ठीक करनी थी, क्योंकि ये बड़े तजर्बाकार समझे जाते थे, क्योंकि दो ख़ानदान 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। तो बजाय वो करने के जो इन्होंने हमारे सारा वक्त 3.5 साल तनकीद करते रहे कि जी बहुत महंगाई है, लोग पिस गए, इनको समझ नहीं है, मायशत को नहीं संभाल सकते, तो बजाय वो करने के सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक काम किया अब तक, और वो काम ये किया है कि 1100 अरब रुपए के अपने ऊपर जो करप्शन केसेस थे, अपने आप को NRO दे के वो माफ़ करवा लिए, और उसके अलावा इन्होंने इदारे तबाह किए हैं ताकि इनकी करप्शन बच जाए, FIA को तबाह, NAB तबाह, सारे जो सिविल सर्विस पुलिस का इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ इनकी एक कोशिश थी, और वो प्लानिंग मैं बड़ी देर से लोगों को कह रहा था कि इनका सिर्फ मकसद हमारे खिलाफ जो सारी इकट्ठी भी हुई पार्टीज, जो लॉन्ग मार्चेस भी की, पीछे सिर्फ एक चीज़ थी कि किसी तरह ये हुकूमत जाए और ये आके अपने आप को NRO दे दें। अब क्या लोगों का गुस्सा क्या है कि आपने लोगों को तैयार किया कि जी बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोगों की मुश्किल हालात हैं, यहाँ जनाब लोग तबाह हो गए, और हर रोज़ इनकी स्टेटमेंट्स, महंगाई मार्च। अब लोग क्यों सड़कों पर निकल रहे हैं? सबसे पहले कि लोग ये पूछना चाहते हैं कि कौन सी क्यामत आ गई जब से हमारी हुकूमत गई, और जब से ये 2 महीने 2.25 महीने में जब से ये आए हैं, क्या हुआ चेंज कि कीमतें भी आसमानों पे चली गई, मायशत भी नीचे, रुपया भी नीचे गिर गया, स्टॉक मार्केट भी नीचे गिर गई। अब जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जिसकी वजह से रोज़गार लोगों को मिल रहा था, जो हमने 55 लाख नौकरियाँ दी थी, उसकी वजह कंस्ट्रक्शन सेक्टर था, उसको हमने उठाया, उसकी वजह थी इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें ग्रोथ हुई, रिकॉर्ड ग्रोथ हुई, उसकी वजह एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर 2 सालों में 75% ग्रोथ में, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। तो वो क्या चीज़ हुई कि एक मुल्क सीज, एक IMF भी कह रहा था कि सस्टेनेबल ग्रोथ पे निकला हुआ था, ज़राअत में रिकॉर्ड ग्रोथ हो रही थी, यानी फसलों के अंदर रिकॉर्ड ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि हमने पूरा एक प्लान बनाया हुआ था, हम जो हमने अपनी ज़राअत को उठाने के लिए किसान की कैसे मदद करनी थी, उनके कितने कितने तरीके थे, कि हमने कैसे खर्च करना था पैसा ज़राअत पर। देर के बाद ज़राअत ऊपर जा रही थी, वो कौन सी क़यामत आ गई कि 2 महीने में सारा कुछ ही नीचे चला गया, आसमान पर महंगाई पहुँच गई और जो मायशत है वो नीचे आ गई, आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो सवाल ये है कि कौम अगर आपको ये बाहर निकल रही है आज और मुजाहरे कर रही है, तो आपको बजाय ये डंडा का इस्तेमाल करने का, और ये जो आप उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक हुकूमत लोगों को बताती है, अपने मसले बताती है, और लोगों के दुख और दर्द सुनती है। लोग तकलीफ में हैं, किधर गई बिजली, किधर थी हमारे दौर में 3.5 साल में, क्यों नहीं ऐसी लोड शेडिंग थी, तो क्या हुआ कि एकदम लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है, और लोड शेडिंग भी शहरों के अंदर जो, और कराची में जिस गर्मी के अंदर लोड शेडिंग है, वो क्या आपकी कोई तैयारी नहीं थी, क्या हुआ? बिजली तो है यहाँ मुल्क में, अब ये बिजली घर के ऊपर जो इन्हीं ने, ये नून लीग ने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे, ये जो बिजली घर बनाए हैं, जो 4
बड़े पांच बल्कि इनके दौर में बने, अब वहां बिजली भी नहीं बन रही, पैसे भी हम दे रहे हैं जिसको कैपेसिटी पेमेंट्स कहते हैं। हम ये कौम अपने टैक्स के पैसे से उनको कैपेसिटी में पेमेंट्स के पैसे दे रही है, लेकिन वो बिजली नहीं बना रहे क्योंकि इन्होंने इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बनाए थे, एलएनजी के ऊपर और कोयले के ऊपर। साहिवाल जैसी जगह पे इन्होंने कोयले के ऊपर एक जो प्लांट बनाया है पावर जनरेशन का, आप सोचें कि वहां सारे कराची से सारा कोयला उधर ट्रेवल करके आता है साहिवाल। यानी जिसने भी ये बनाया है इसी को जेल में डालना चाहिए कि किस क्या सोच के बनाया था। माहौलियात के ऊपर अलहदा उसका जो असर है, और दूसरा इतनी दूर बाहर से इंपोर्ट करके कोयले क्या, और उसकी कीमत कितनी है, किस कीमत पे वो बिजली बना रहा है। तो आज इनके पास ना कोयले के लिए पैसे हैं ना एलएनजी के लिए पैसे हैं। नतीजा ये है कि अब ये प्लांट चल नहीं रहे जिसकी वजह से लोड शेडिंग है। तो मेरा फिर से सवाल है कि इतनी मेहनत से आपने साजिश की बैरून मुल्क के साथ मिलके, यहाँ लोगों के साथ मिलके, गद्दारों के साथ आपने ये साजिश की, और आज लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप ये साजिश करके आ गए तो अब कह रहे हैं कि जी ये सारा कुछ इमरान खान और पीटीआई ने किया है। तो अगर हमने ये किया तो हमें रहने देना चाहिए था। आज हम जिम्मेदारी लेते हैं इस चीज की। हम भी आईएमएफ के प्रोग्राम में थे, 3.5 साल हम आईएमएफ के प्रोग्राम में थे। क्या हमें नहीं आईएमएफ कह रही थी कि ये कीमत बढ़ाओ, या तेल की कीमत इतनी करो, या बिजली की कीमत इतनी करो, या डीजल की? तो हम तो प्रेशर भी ले रहे थे। और उस दौर, ये जरा मैं अपनी कौम को कहना, जिस वक्त प्रेशर था कीमतों का, और याद रखे आईएमएफ का भी प्रोग्राम था, कोरोना भी हुआ जो सारी दुनिया में तबाही मचाई कोरोना ने, और उस दौर में जो इंटरनेशनल जो कमोडिटी सुपर साइकिल यानी जो एनर्जी की कीमतें ऊपर जाई सारी दुनिया में, वो भी ऊपर गई, उसके बावजूद हमने सबसे सस्ता मुल्क था पाकिस्तान। आज अगर आप कीमतें देखें, जिस कीमत पे हम डीजल बेच रहे थे, पेट्रोल बेच रहे थे, बिजली हालांकि कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया, फिर भी हमने कीमतें रोकी हुई थी, हमने सब्सिडाइज किया हुआ था, हमने पेट काट के डीजल और पेट्रोल की और बिजली कीमत नहीं बढ़ने दी। आईएमएफ प्रेशर बर्दाश्त किया क्योंकि हमें पता था कि लोगों के हालात क्या हैं, हमें पता था कि एक इंटरनेशनल अजाब आया हुआ है। कौन सी क्यामत आई कि आज सारा कुछ आसमानों पे चला गया? जो कीमतें इन्होंने बढ़ाई हैं 2.5-2 महीनों में, हमारे 3.5 साल में इतनी कीमतें नहीं बढ़ी। कोई चीज़ ले लें, आटा लें, घी खास तौर पर लें, ये डीजल और पेट्रोल, बिजली की, अभी तो लोगों को बिजली के बिल आने हैं। तो बजाय लोगों को उनसे उनकी दुख दर्द सुने और कोशिश करें किसी तरह अपना जहन इस्तेमाल करें, सिवाय अपनी चोरी बचाने के लिए और एनआरओ लेने के लिए, जहन इस्तेमाल करें कि कैसे आप लोगों का बोझ कम कर सकते हैं। बजाय वो करने के आज उनको टेयर गैसिंग की है, दहशत फैलाई जा रही है, डराया जा रहा है लोगों को। मेरी आज अपनी सारी कौम से एक ही आप सबके लिए दरख्वास्त है, अपील है कि देखें, एक पुरमन एहतजाज हम सब का हक है। यह हमें जमहूरियत एक हक देती है, हमारा आइन हक देता है। हमारे हमने 25 को जब एहतजाज किया, 25 मई को, इन्होंने जिस तरह का जुल्म किया लोगों के ऊपर, फैमिलीज पे, घर में रात को 2-2, 3-3 बजे घुस के ख्वातीन को जिस तरह इन्होंने चादर और चार दीवारी को हमारी रवायत को पीछे रख के जिस तरह इन्होंने किया, इसकी मैं मार्शल लॉ में तो शायद ऐसा होता हो, किसी जमहूरियत में मैंने ऐसे नहीं देखा। मैंने जनरल मुशर्रफ की आमरियत के अंदर, वो भी मिलिट्री डिक्टेटर थे, मैंने उसमें इस तरह का जुल्म नहीं देखा जो इन्होंने किया 25 को। और अब हम फिर तमाशा देख रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? संभाली इनसे मायशत संभाली नहीं जा रही, कीमतें इनसे रोकी नहीं जा रही, बाहर फिर रहे हैं हाथ फैला के, वो इनकी मदद जिस तरह कर रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा कि वो कोई भी फ्री लंच नहीं होता, यानी कोई मुफ्त में आपकी मदद नहीं करता, वो कोई ना कुछ आपसे मांग रहे हैं। उनको भी खुश करने के लिए इन्होंने हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, वो भी अब देखते रहे। तो अब अगर इनका ख्याल है कि सिर्फ जुल्म करके और तशद्दुद करके
किसी तरह लोगों को कंट्रोल करेंगे, ऐसे लोग कंट्रोल नहीं होंगे। अभी महंगाई जहां तक हमें पता है जुलाई में और बढ़नी है, क्योंकि इन्होंने जुलाई में जो एलएनजी थी वो नहीं आ रही है। इनके पास जो ये समझ रहे थे कि ये बाहर से चीजें ये फ्यूल खरीद लेंगे, ये कोयला या एलएनजी, वो इनके पास वो वसाइल नहीं है क्योंकि कीमतें ऊपर चली गई हैं। लिहाजा मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं कि मैं 2 तारीख को हफ्ते की शाम को इस्लामाबाद में इंशाल्लाह एक तारीखी हम करेंगे प्रोटेस्ट, पुरमन, जो हमेशा हम करते हैं पुरमन प्रोटेस्ट। हम सारे शहरों के अंदर भी अब लोगों को कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करें, पेशावर, लाहौर, कराची, मुल्तान, क्वेटा, जितने हमारे बड़े शहर हैं उधर भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम यहाँ परेड ग्राउंड पे करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि एक जिंदा कौम बन के हम सारे इन प्रोटेस्ट में शामिल हों, हम तोड़ फोड़ ना करें क्योंकि अपने मुल्क को ही नुकसान पहुँचता है, लेकिन पुरमन एहतजाज हम सब करें बताने के लिए कि एक जमहूरियत में ये हमारा हक है और हुकूमत का फर्ज है कि वो लोगों की आवाज़ सुने। हुकूमत डंडे से कभी भी जमहूरियत नहीं चलती। हुकूमत अगर डंडे बरसाएगी और टेयर गैस करेगी, जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। जमहूरियत चलती है इखलाकी कुवत से, जिस्मानी कुवत से जमहूरियत नहीं चलती। वो डिक्टेटरशिप चलती है, वो बादशाह से चलती हो, जमहूरियत चलती है इखलाकी कुवत से। इस गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि क्या तरीका है इनका, इस कौम को जो एकदम आपने ये साजिश करके, और साजिश करके इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में एक सियासी बुरान पैदा किया। श्रीलंका के अंदर पहले माशी बुरान आया, फिर सियासी बुरान आया। पाकिस्तान के अंदर पहले सियासी बुरान पैदा किया गया साजिश करके, जब मुल्क बिल्कुल ठीक चल रहा था, हमारी पूरी प्लानिंग हुई थी। जिस तरह मैंने कहा, हमने रूस से तेल लेना था, हमने हिंदुस्तान की तरह अपने लोगों के ऊपर बोझ नहीं पड़ने देना था जो दुनिया आलमी मंडी में तेल महंगा हुआ है, हमारा पूरा प्लान बना हुआ था। इन्होंने पहले हमारी गवर्नमेंट पहले साजिश की, डिस्टेबलाइज किया मुल्क को, बुरहान पैदा किया, उसके बाद ये माशी बुरहान आया और ये अब इनके कंट्रोल में नहीं है। और मैं वाजे कर दूँ फिर से, मैंने और फिर शौकत तरीन को भी मैंने कहा कि न्यूट्रल्स को बताओ कि बड़ा अच्छा है आप न्यूट्रल बनना चाहते हैं, लेकिन ये याद रखें कि मुल्क बहुत बड़ी कीमत अदा करेगा इस ये जो आप पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन, ये जब सियासी बुरान आएगा, इसकी मुल्क कीमत अदा करेगा। और इनसे मुझे पता था नहीं संभाला जाना, क्योंकि शहबाज शरीफ की तो सारी डेवलपमेंट इश्तहारों में होती है, सहाफियों को पैसे दे दिए, पीआर कर दिए, कभी 50 अरब के इसने इश्तहार दिए, इसके ऊपर होती है। ये जो एक दुनिया के अंदर क्राइसिस आए, जो हम बड़ी मुश्किलों से निकल रहे थे इसमें से और निकलते गए, अल्लाह का करम है, जिस तरह हम कोरोना से निकले दुनिया मिसाल देती है पाकिस्तान की, हम निकलते जा रहे थे और हमें पता था कि अगर एक दफा सियासी बुरान आया ये होना है, क्योंकि इनकी तो नियत ही कभी नहीं थी, ना इनकी सलाहियत थी मुल्क को बुरान से निकालने की। इनको तो जिस हमें पता था ये किस लिए आ रहे हैं, वो इन्होंने कर दिया। 1100 अरब रुपया अपना इन्होंने माफ करवा लिया, 1100 अरब रुपया, इसका आधा भी अगर हम सब्सिडाइज कर दें तो लोगों पे बोझ ना पड़े। 500 अरब की अगर हम सब्सिडी दे दें इस वक्त बिजली और तेल पे, हम रोक सकते हैं ये जो प्रेशर पड़ा हुआ है अवाम पे, लेकिन वो पैसा हजम कर गए हैं और सारा बोझ इन्होंने अवाम के ऊपर डाल दिया। तो मैं इसलिए अपनी सारी कौम को आज अपील कर रहा हूँ और दरख्वास्त कर रहा हूँ कि देखें, हम तोड़ फोड़ से मुल्क को नुकसान होता है, लेकिन जो हम कर सकते हैं, हम निकलें, पुरमन एहतजाज करें, लोगों को बताएं कि हम एक जिंदा कौम है, हम ये चुप करके ये जुल्म जो कर रहे हैं इस मुल्क पे कि खुद अपने आप को अरबों रुपए की करप्शन बचाएं और यहाँ इस मुल्क पर बोझ डालें, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो एक आखिर में इन्होंने एक ड्रामा शुरू किया है कि पाकिस्तान को इन्होंने निकालने के लिए कोई एहसन इकबाल ने कोई ड्रामा शुरू किया है कि हम इकॉनमी को कैसे रिवाइव करेंगे, अगर आपने वो बजाए ये सारे पैसे खर्च करके ये ड्रामा करने के, मैं आपको आखिर में बताता हूँ कि आप कैसे आपके पास एक ही तरीका है कि हमारी माशरत को ठीक कैसे कर सकते हैं। जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान का जो बाहर अरबों डॉलर पड़ा है, आप आधा ही वापस ले आए ना तो वो ये बुरहान से निकल सकता है।
सिर्फ एक रास्ता है, बाकी आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और कौम के पास सिर्फ एक रास्ता है, साफ और शफाफ इलेक्शन। साफ और शफाफ इलेक्शन के बाद अलावा कोई और दूसरा रास्ता आज नहीं है। जो पंजाब के अंदर हो रहा है, 2.25 महीने से एक गैर आइनी, एक अनलॉफुल गवर्नमेंट वहां बैठी हुई है हमजा शरीफ की। इसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई आइनी इनको हक नहीं है। शुक्र है वहां अदालतों ने, अब पहले तो इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज कर दिया कि उन्होंने गैर आइनी तरीके से हमारे 5 रिजर्व सीट्स को मौका नहीं दे रहे थे। वो शुक्र है अदालत ने उनको एक्सपोज कर दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इतनी मैंने अपनी जिंदगी में एक जानबदार, एक बायस इलेक्शन कमीशन मैंने नहीं देखी जो एक्सपोज होती जा रही है। दूसरी चीज, अब पंजाब के अंदर लग रहा है कि अब हमजा शरीफ की हुकूमत नहीं रहेगी। और मैं आज खास तौर पे आखिर में, क्योंकि 11-20 बाय इलेक्शन आ रहे हैं पंजाब में, मैं अपनी पुलिस और अपनी ब्यूरोक्रेसी को, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, जो अभी तक आप हरकतें कर रहे हैं, जो आपने इनके हुक्म के ऊपर, ये शरीफ माफिया के हुक्म के ऊपर जो आपने 25 को जुल्म किया लोगों के ऊपर, और ये जो जिस तरह की इस वक्त धांधली की तैयारियां हो रही हैं पंजाब के बाय इलेक्शंस में, देखें अब कोई चीज़ छुपी नहीं रहती है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सबकी शक्लें भी हमें पता है, जिन्होंने, जिन पुलिस ऑफिसर्स ने जुल्म किया, ये सारा रिकॉर्ड के ऊपर है। अब जो ये आप हरकतें कर रहे हैं, इन्होंने तो रहना नहीं है, लेकिन आप जो तनख्वाहदार लोग हैं, आपके लिए मुश्किलात आएंगी अगर आपने गैर कानूनी और गैर कानूनी स्टेप्स हमारे खिलाफ किए। मैं ये सिर्फ आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हर तनख्वाहदार का अपनी फैमिली को संभालने का वो सोचता है कि अपने बीवी बच्चे हैं उनके लिए, तो अगर आपने ये गैर कानूनी चीज़ की जो अभी तक आप कर रहे हैं, और जो आप में से कर रहे हैं वो सबको हम, उनका हमारे पास रिकॉर्ड है, और जिन पुलिस वालों को जिस तरह मैंने कहा, वो तो अब वीडियो के ऊपर आ गया उनकी शक्लें, तो देखें ये मुल्क बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है इस साजिश की वजह से और इन लोगों की वजह से। और आप जो भी पाकिस्तानी हैं, आज अगर आज आपको नहीं नज़र आ रहा कि 2.25 महीने में किधर से किधर ले आए हैं पाकिस्तान को, और अब मजीद और आगे किधर जाने लगा है आपको, अभी अगर आप अभी नहीं आपको पता तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं सबको फिर से आखिर में दावत दे रहा हूँ, पुरमन एहतजाज हफ्ते की शाम को मैं परेड ग्राउंड होऊंगा, और सारे पाकिस्तान के शहरों में इंशाल्लाह मेरी कौम निकलेगी।